बाबर आजम ने बना दिया एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड और तोड़ दिया विराट कोहली का भी रिकॉर्ड और बाबर आजम बन गए हैं दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार बाबर आजम ने बना दिया है कौन सा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड और कैसे बन गए दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज, बताएंगे आपको बाबर आजम के बारे में सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए सभी टीमें तैयारियों में जुटी हैं और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम T20 की नंबर वन टीम है और पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतरीन है। तो चलिए आपको बताते हैं बाबर आजम के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। दरअसल T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है, जिसमें बाबर आजम का बल्ला खूब चल रहा है। आपको बता दें कि बाबर आजम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 63 रन बनाते ही वह घरेलू T20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम घरेलू T20 लीग में 10,000 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और अगर बात करें विराट कोहली की, तो कोहली ने घरेलू T20 लीग में अभी तक 9,000 रन ही बना पाए हैं। बाबर आजम घरेलू T20 लीग में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों आपके मुताबिक बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन है दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।